नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार क्यारी हिंदी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर एक पंचकुला में स्वामी विवेकानंद की विचारधारा आज के संदर्भ में कितनी सार्थक है पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस विषय में देखिए पूरी वीडियो। मनोवृत्ति के हिसाब से ही आसपास के हमारे जो लोग हैं हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हमसे जुड़ते और टूटते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि हम पहले ये जानेंगे कि मनोवृत्ति क्या है, तो वो हम जान चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि आखिर इसका महत्व क्या है। तो इसका महत्व जो सबसे बड़ा यही है कि लोग हमसे जुड़ते टूटते इसी की वजह से हैं। तो टूटना मेरे हिसाब से इज नॉट अ गुड थिंग, तो जुड़ना अच्छी बात है। और जुड़ने के लिए हमें अपनी मनोवृत्ति को, अपने एटीट्यूड को काफी पॉजिटिव रखना होगा, काफी हम्बल रखना होगा, काफी फ्रेंडली रखना होगा। तो मेरा मानना यह है कि इतना भी फ्रेंडली ना रखें हम अपने एटीट्यूड को कि सामने वाला हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले, एंड इतना सॉफ्ट भी ना रखें कि कुचल के आगे चलता रहे। बहुत बार क्या होता है, हम जिस तरह के एटीट्यूड सामने वाले को देते हैं वो उसके गलत फायदा उठाता है। अगर हम ज्यादा फ्रेंडली हैं तो वो ये सोचते हैं कि इसको तो कुछ भी कह दो चलेगा। एंड बहुत बार ये भी होता है कि अगर हम ज्यादा स्ट्रिक्ट होके रहते हैं कि डरना है, हर चीज में डरना है। बहुत ज्यादातर फादर्स करते हैं घर में ऐसे, और बच्चों के मन में यही डर होता है कि भाई पापा है, पापा के सामने नहीं बोलना है ये सब। तो पापा से बहुत डरते हैं एंड मम्मा के आगे कुछ भी बोलते रहते हैं क्योंकि मम्मा बहुत फ्रेंडली है। मेरा मानना ये है कि पॉजिटिव होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए, लेकिन फर्म भी, ताकि आपको कोई ज्यादा हर्ट ना करे। हमने अपना ध्यान खुद ही रखना है। तो सबसे बड़ा एग्जांपल हम ये लेंगे, हमने जो महापुरुष अपने बारे में पढ़े हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फर्म एटीट्यूड भी था, वो भगत सिंह का। अब उनसे ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड किसका था, उन्होंने हमें आजादी दिला दी अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के चलते। लेकिन उनका डर इतना था कि उनको कोई भी कुछ कह नहीं सकता था, उनको सिर्फ फांसी चढ़ा दी गई क्योंकि सबको पता था या तो इनको हम मार सकते हैं, इनका हम बगावत नहीं कर सकते। तो और जैसा कि हम सब जानते हैं कि विवेकानंद जी, उनसे बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। उनसे इतना इम्प्रेस हुए लोग उनके एटीट्यूड की वजह से कि उनके पूरी दुनिया में फॉलोअर्स हैं। जैसे कि मुझे एक इंसिडेंस का पता उनके बारे में, जब वो अमेरिका गए थे तो उन्होंने एक बात कही थी, अपने देश का जो कल्चर है अमेरिका में भी जाके उन्होंने बात कही थी कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम अमेरिका। तो यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में ये सब नहीं होता कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर जैसे हमारे इंडिया में होता है। तो उन लोगों ने इस चीज को काफी अप्रिशिएट किया कि आपने काफी कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ आके भी उस चीज को अपनाया। सो इट वॉज अ पॉजिटिव एटीट्यूड विद कॉन्फिडेंस। और मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि जब हमारा एटीट्यूड फर्म होता है या जब हमारा एटीट्यूड ज्यादा स्वीट होता है तो हमें लोग ज्यादातर ऑर्डर करते रहते हैं। हम जब जी हजूरी का एटीट्यूड रखते हैं तो हम जी हजूरी ही करते रह जाते हैं सारी जिंदगी। एंड द मोमेंट हमारा एटीट्यूड जरा सा चेंज होता है तो जो लोग दूसरे इंसान को ऑर्डर्स दे रहे हैं वो खुद हमारे पास आके, वही लोग सेम पर्सन आके हमें कहते हैं कि मैम सर प्लीज बताइए कोई सेवा हो तो हम करेंगे। ये होता है जब हमारा एटीट्यूड ऐसा होता है। सो मैं इसी बात को कहना चाहूंगी कि हमें अपने एटीट्यूड की तरफ काफी ध्यान देना चाहिए, ना ज्यादा स्वीट ना ज्यादा हार्श, बट इट शुड बी बैलेंस्ड। तो हमारे साथ लोग जुड़े भी रहेंगे, हमसे कोई नाराज भी नहीं होगा एंड हम किसी का दिल भी नहीं। थैंक यू।